Hi everyone, this is your mentor educator Akash Tyagi. Welcome to the channel Nirmit. यार बहुत सारे बच्चे हैं नीट 2024 की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके मन में बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन जो बार बार उनको कहीं ना कहीं अंधकार में ले जाते हैं. सर मैं प्रिपरेशन करने बैठता हूं करता हूं लेकिन धीरे धीरे वही क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते हैं और मुझे समझ में नहीं आता कि उनका आंसर क्या है. फिर उनके लिए मैं अपनी प्रिपरेशन को कैसे चेंज करूं या फिर मैं कैसे प्लान करूं. कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करूंगा. अगर तुम्हें लगता है कि वो सेम क्वेश्चंस तुम्हारे मन में भी बार बार आ रहे हैं और तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताना. और हां इस वीडियो के बाद जब तुम्हें उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मिलेगा तो उसका भी कमेंट मुझे जरूर करके बताना कि हां सर ठीक है अब मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी जर्नी को अपनी प्रिपरेशन को प्लान करने वाला हूं. तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कौन कौन से वो अनआंसर्ड क्वेश्चन है. सबसे पहला तुम्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सर इस बार भी नीट 2023 के जैसे कॉम्पिटिशन बहुत होगा और ये ऑब्वियसली बात होगा है ना. इसमें तुम्हें आंसर ऑलरेडी पता है कि होना ही है सोचने की बात ही नहीं है. नीट 2023 में ऑलमोस्ट 21 लाख एनरोलमेंट थे 24 में कहीं ना कहीं 22-22.5 लाख जाएंगे. दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे मन में क्या आ रहा है सर रैंक इन्फ्लेशन. नीट 2023 में अगर 2022 से कंपैरिजन करें तो बहुत रैंक इन्फ्लेशन आया था सेम मार्क्स पे बहुत ज्यादा रैंक आ रही थी. 2024 में भी क्या यही होगा क्या? ऑब्वियसली यही होगा. ठीक है तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को इसी के अकॉर्डिंग प्लान करना होगा. तुम्हें अपने टारगेट से थोड़ा ज्यादा ही टारगेट करना पड़ेगा तभी जाके तुम उस रैंक तक पहुंच पाओगे जो तुम डिजर्व करते हो या फिर जो तुम्हें चाहिए. तीसरी बात बच्चों सिलेबस. सर एनटीए सिलेबस नहीं बता रहा और ऑब्वियसली बात है एनटीए सिलेबस अभी क्यों बताएगा. हर बार जो तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलती है वो अक्टूबर में मिलती है. एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस दे दिया है अब एनटीए बताएगा अभी तुम्हें अक्टूबर नवंबर में. तब तक तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को इस तरीके से प्लान करना है कि जो सिलेबस में है पहले मैं वही कर लूं. ठीक है चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट सर कोई मुझे ये बता दे कि अब से पहले नीट का पैटर्न क्या था सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कौन कितना टफ होता है किसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत है और उसके हिसाब से 2024 में क्या होने वाला है. इसी क्वेश्चन का आज मैं इस वीडियो में आंसर करने वाला हूं बहुत ही ज्यादा डिटेल में फैक्ट चेक करके. लास्ट एट ईयर का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं. सो गौर से देखना एंड तक देखना और फाइनली एक प्रेडिक्शन हम लोग करने वाले हैं नीट 2024 के लिए. तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं. आ जाओ बच्चों सबसे पहले ये चार्ट देख लो. अब यहां पे मैं तुम्हें एक एक करके हर साल का सब्जेक्ट वाइज क्या बताने वाला हूं कि यार पेपर कैसा था. ठीक है सबसे पहले मैं बात करता हूं 2016 में फिजिक्स कैसा था. तो बच्चों मॉडरेट टू हाई पेपर यहां पे आया था. ठीक है फिजिक्स का अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो 2017 में अगले साल जस्ट क्या हुआ पेपर मॉडरेट था बहुत ज्यादा हाई नहीं था है ना. अगर मैं बात करूं 2018 की एकदम से पेपर को टफ बना दिया गया था टफ पेपर माना गया था 2018 का. उसके बाद अगर मैं बात करूं 2019 में फिर पेपर मॉडरेट आया. अगर मैं जाऊं 2020 में तो पेपर को मॉडरेट से भी थोड़ा कम आसान कर दिया गया मतलब लेस मॉडरेट इसको हम लोग कह देते हैं. अगर मैं बात करूं 2021 की बच्चों फिर से लेस मॉडरेट. ठीक है फिर से लेस मॉडरेट ज्यादा टफ नहीं था. अगर मैं बच्चों बात करूं 2022 के लिए तो 2022 का फिजिक्स का पेपर इजीएस्ट माना गया था सबको पता है. ठीक है इजीएस्ट माना गया कि यार सब कुछ बहुत आसान पेपर था फॉर्मूला बेस्ड थे सारे क्वेश्चंस इजीएस्ट माना गया. अच्छा ऐसे आ जाओ केमिस्ट्री में. अभी 2023 का और 24 का एंड में करेंगे. 2023 का इसी साल हुआ था है ना उसको बाद में देखेंगे. अब अगर मैं बात करूं बच्चों केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री का 2016 में मॉडरेट पेपर आया था 17 में इजी टू मॉडरेट था. ठीक है यहां पे अगर मैं बात करूं तुम्हारा इजी पेपर था 2018 में. सिमिलरली 2019 में इजी टू मॉडरेट था फिर से. अगर मैं बात करूं 2020 में फिर से इजी टू मॉडरेट पेपर आया. 2021 में इजी टू मॉडरेट आया. 2022 में इजी माना गया पेपर. ठीक है क्लियर है. अच्छा आ जाओ बायोलॉजी में बच्चों 2016 में इजी था 17 में भी इजी माना गया 18 में मॉडरेट. ठीक है क्यों क्योंकि पेपर थोड़ा सा लेंथी हो गया था थोड़ा सा ज्यादा नहीं हुआ था. ठीक है 2018 में जाऊं तो फिर इजी माना गया 19 में जाऊं तो भी इजी माना गया 20 में जाऊं तो इजी माना गया. उसके बाद यहां पे अगर तुम 2021 में देखते हो तो थोड़ा सा पेपर टफ हो गया. कैसा हो गया टफ हो गया क्योंकि पेपर था लेंथी बहुत लेंथी पेपर बना दिया था. ठीक है ना उसके बाद अगर मैं बात करूं 2022 में बच्चों तो तुम्हारा थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड था. ठीक है ना थोड़ा सा टफ माना गया. चल
ये था हमारा 2016 से 2022 तक का पूरा पैटर्न, जिसको डिटेल वे में मैंने यहाँ पे लिख दिया। ध्यान से देख लो, फिजिक्स में अगर तुम देखोगे तो मॉडरेट से हाई पहले साल, फिर मॉडरेट, फिर टफ, फिर मॉडरेट, फिर लेस मॉडरेट, फिर लेस मॉडरेट। अभी तक 2022 तक केवल एक बार पेपर बहुत ईजी आया था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बच्चों 2023 की, तो 2023 में भी यही बोला गया कि इट वॉज ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। बहुत ज्यादा ईजी नहीं था लेकिन ईजी टू मॉडरेट था। सेम अगर मैं बात करूं बच्चों केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री यहां पे मॉडरेट थी 2023 में, और मॉडरेट भी किस वजह से बोल दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक बच्चों को लग रही थी थोड़ी सी टफ। और अगर मैं बात करूं बच्चों फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, नॉर्मल थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, तो बहुत ईजी बोल दिया गया, कह दिया कि भैया ये तो कंप्लीट एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है, सब कुछ एनसीईआरटी से है, कंप्लीट एनसीईआरटी से। ये पूरी प्रेडिक्शन 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 को एक बार ध्यान से देख लो, इसमें तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा बच्चों कि फिजिक्स में क्या पैटर्न चलता आ रहा है, केमिस्ट्री में क्या पैटर्न चलता आ रहा है, और बायोलॉजी में क्या पैटर्न चलता आ रहा है। अगर तुम बायोलॉजी को देखोगे तो बायोलॉजी का पेपर नॉर्मली इजी है ना, ज्यादा टाइम इजी आया हुआ है, और बहुत ज्यादा बार क्या हुआ है, थोड़ा सा लेंथी कर दिया गया, ठीक है ना। जब भी टफ बना पेपर, क्यों? क्योंकि लेंथी कर दिया गया असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस की वजह से, जब से उनको ऐड कर दिया गया है। अच्छा जी, उसके बाद एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा फोकस यहां पे बायोलॉजी में होता है। इतनी बात सबको समझ में आती है। जाऊं केमिस्ट्री में, तो इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। केमिस्ट्री का एक भी पेपर अभी तक टफ नहीं आया, एक भी पेपर अभी तक टफ आया ही नहीं है। इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी या फिर मॉडरेट, एट मैक्स तुम्हें मॉडरेट मिला है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, तो एक साल ऐसा था जहां पे टफ माना गया था, उसके अलावा मॉडरेट, 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 एक बार इजीएस्ट, ठीक है। 2016 में थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर मान लिया गया था। तो ये कुछ हमारा पैटर्न है 2016 से लेकर 2023 तक का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। अब इससे हम प्रेडिक्ट क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 2024 में बायोलॉजी का पेपर टफ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन लेंथी हो सकता है। क्या हो सकता है? लेंथी हो सकता है। टफ नहीं होगा, लेंथी हो सकता है, मतलब पेपर तुम्हारा कंप्लीट एनसीईआरटी से ही रहेगा, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली पेपर तुम्हारा कंप्लीट एनसीईआरटी से ही रहेगा, लेकिन पेपर को लेंथी बना सकते हैं। अब इसमें तुम्हारा क्या इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, इसके अकॉर्डिंग तुम कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ये सुन लो। सबसे पहली बात, जब भी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करोगे तो बायोलॉजी में तुम्हें ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी तो कंप्लीट करनी है भाई, तुम्हारा हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 360 मार्क्स का है, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें अपनी प्रिपरेशन तो करनी ही है, उसी पेस में करनी है, उसी डिटर्मिनेशन से करनी है। बट द फैक्ट इज कि जब भी तुम मॉक टेस्ट लगाओगे तो हमेशा ध्यान रखना यह कि मॉक टेस्ट तुम्हारा लेंथी टाइप हो। बायोलॉजी में मॉक टेस्ट लेंथी टाइप हो, जहां पे तुम एक्चुअली में मॉक टेस्ट में फील कर पाओ कि अगर मेरा पेपर लेंथी आया तो मैं उसको कैसे मैनेज करूंगा। अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस रीजनिंग असर्शन वाले होते हैं उन पे फोकस ज्यादा करना शुरू कर दो व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री मॉडरेट होने वाला है, ठीक है। कैसे करना है इसको, देखो यहां पर तुम्हें थोड़ा बहुत परेशान करता है जो भी पास्ट में देखा गया है ऑर्गेनिक, तुम्हारी फिजिकल फिजिक्स की तरह, ठीक है, सारे फॉर्मूला बेस्ड तुम्हारे क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं नीट में, ठीक है, इसमें तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इनऑर्गेनिक तुम्हारी कंप्लीट एनसीईआरटी से हो जाएगी, ठीक है ना, एकदम एनसीईआरटी को चार्ट जाओ, पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन, सब कुछ पढ़ना है तुम्हें एनसीईआरटी में से, अपनी जो भी हाईलाइटिंग है खुद ही करनी है, ठीक है ना, इस तरीके से करो। और व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनिक, यहां पर तुम रिलाय कर सकते हो अपनी कोचिंग पे, जो तुम्हें पर्टिकुलरली उस अकॉर्डिंग पढ़ा दे जहां पे तुम ऑर्गेनिक को अपना निपटा दो। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स है बच्चों इजी टू मॉडरेट, इस बार भी ऐसा ही है, ठीक है ना, इसी बार भी कैसा है, इजी टू मॉडरेट है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब ज्यादा आ रहे हैं फिजिक्स से, ठीक है। अगर ज्यादा भी कुछ चेंज होगा तो फिजिक्स में बहुत कुछ चेंज होने नहीं वाला, तो यह प्रेडिक्शन कहती है 2024 की, और इसी के अकॉर्डिंग अब तुम्हें अपनी क्या करनी है बच्चों, प्रिपरेशन करनी है। मेक श्योर के एनसीईआरटी पे फोकस अपना बढ़ा दो व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, स्पेशली तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट तुम्हारे थोड़े लेंथी टाइप होने चाहिए, क्योंकि पेपर का अब लेंथी आने का बहुत बहुत चांसेस है, ठीक है।
अभी सिलेबस के बारे में मत सोचो, केवल उसी सिलेबस पे फोकस करो जो अभी के लिए नीट का तुम्हें पता है, एनटीए जब बताएगा बताएगा, अभी के लिए उसी पे फोकस करो और अपनी प्रिपरेशन को करते रहो। अगर तुम्हें ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताना, ठीक है। डिटेल में मैंने तुम्हें एक यहां पे एनालिसिस दे दिया है, इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो। बाय एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। अगली वीडियो में तुम्हारे लिए बनाऊंगा जहां पे मैं चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एनालिसिस करने वाला हूं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके गाइस, बाय एवरीवन।